आज ही अदालत की तरफ से संजय सिंह को बेल देते हुए ये कहा गया कि इस मामले का दूसरे मामलों पर असर नहीं होगा, ये मामला पीएमएलए के बाकी मामलों के लिए एक मिसाल नहीं माना जाएगा। पर जिस तरह के तर्क यहां पर दिए गए, उसी तरह की बातों के जरिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब के लिए बेल की मांग की जा रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के लिए भी राहत की खबर हो? वही सेट ऑफ एविडेंस, कन्फेशन उन लोगों के जो मुलजिम थे उसमें या कॉन्स्पिरेसी में थे, अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी के खिलाफ। संजय सिंह 181 दिन बाद बाहर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 2 दिन से जेल में है और 15 दिन से गिरफ्त में, मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में। अब क्या अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को भी राहत संजय सिंह की तरह मिल सकती है? क्योंकि चुनाव में पहले चरण का मतदान जब करीब आ चुका है, 15 दिन बाद वोटिंग, तब बेल में ही बेदाग होने का सर्टिफिकेट खोजने वाली सियासत चलने लगी है। ये कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब जरूर कुछ किया वरना बेल मिल जाती, यही कह रहे थे ना। अब वो ये कहेंगे अरे बेल ही तो मिली है, इसका मतलब ये कहना कि कुछ नहीं किया है। ये फर्क आपको आज से दिखेगा। झूठ और लूट का, भ्रष्टाचार का जो गुब्बारा था ये फट चुका है। आम आदमी पार्टी का चरित्र अब सबके सामने आ चुका है कि ये निर्लज, मक्कार और धोखेबाज पार्टी है, ये दिल्ली की जनता देख चुकी है। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे, 100 आदमी नहीं थे और ये करोड़ों लोगों के समर्थन की बात करते हैं दिल्ली। अगर संजय सिंह के बाद केजरीवाल को राहत मिलती है तो इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर फैसले से पहले पूरा विपक्ष दिखाने में जुट जाएगा, क्योंकि केजरीवाल बेल नहीं मांग रहे हैं बल्कि सीधे गिरफ्तारी को ही चैलेंज कर रखे हैं। और बुधवार के दिन पर अब नजर रखिए, क्योंकि बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर अहम सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगे। केजरीवाल ने अरेस्ट ऑर्डर और स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना जवाब दाखिल किया है। उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पे दबाव बनाते रहे, उसको महीनों तक जेल में रखा। जब आखिरकार टूट कर हार कर उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसको तुरंत बेल मिल गई। अरविंद केजरीवाल की दलीलें लगभग वैसी ही हैं जैसे संजय सिंह के लिए रही। इसे आपको हम केजरीवाल की तरफ से खुद खड़े होकर राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई दलीलों से समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक सी अरविंद ने बयान दिया कि मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए गए, मेरे घर रोज विधायक आते हैं, क्या ये बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? राघव मंगूटा के 7 बयान है, 6 बयान में मेरा नाम नहीं, 7वें में वो मेरा नाम लेता है और उसे बेल मिल जाती है। शरत रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया और 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा कहाँ गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आपको खत्म करना और दूसरा पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच। और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया भी जेल में, कई बार बेल की अर्जी डाल चुके हैं, खारिज होती रही। अब की बार सिसोदिया की बेल अर्जी में वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसा सिसोदिया तक पहुंचा है। मुकदमे में ट्रायल में देरी के लिए सिसोदिया तो जिम्मेदार है नहीं। सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया कि अब वो प्रभावशाली भी नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है। और 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में अब सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होनी है। एक तरफ संजय सिंह के बेल की खबर आई,
और दूसरी तरफ 55 विधायक और 6 मंत्री सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात करने, अरविंद केजरीवाल तक अपनी बात पहुंचाने और कामकाज को आगे ले जाने के लिए मिले। ऐसे में दस्तक देता सवाल यह है कि चूंकि संजय सिंह जैसा वरिष्ठ नेता जेल से बाहर आ गया है, तो अब सुनीता केजरीवाल की सियासी सक्रियता में कमी आएगी या फिर इमोशनल दांव जारी रहेगा? संजय सिंह अब बाहर, लेकिन केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अंदर। एक बाहर, तीन जेल में, और क्या अब चार की बारी? चार जिनका नाम आतिशी ने खुद लिया, नाम आतिशी का, नाम सौरभ भारद्वाज का, नाम राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। इन नामों के बारे में जो चर्चा की गई है ईडी के सामने, वो तो अरविंद केजरीवाल ने की है, और अरविंद केजरीवाल ने यदि कोई बात कही है और ईडी कोर्ट के समक्ष ये जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करा रहा है तो ईडी कराएगी कराएगी। जेल से अंदर बाहर के इस खेल के बीच दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी और कौन चलाएगा? क्या केजरीवाल भले जेल के भीतर हों, लेकिन मुख्यमंत्री की संदेश वाहक के साथ ही सरकार वाहक अभी सुनीता केजरीवाल हैं, जिनसे सीएम आवास पर ही मिलने 55 विधायक और 6 मंत्री पहुंचते हैं, एक गुहार लगाते हैं। भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बयान को सुनकर लगता है जैसे विधायक और मंत्री सब मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाने के लिए भाभी जी यानी सुनीता केजरीवाल के भरोसे। और तब संजय सिंह का जमानत पर जेल से बाहर आना क्या सियासत का ही अगला गेम है? जहां सुनीता केजरीवाल अगर कमान संभालती तो इमोशनल कार्ड चल जाने का खतरा होता, और अब संजय सिंह जो पार्टी में नंबर दो रहे, उनके बाहर आने से पार्टी को चलाने संभालने की जिम्मेदारी संजय सिंह के पास आ सकती है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।